इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आप नोटिफाइड हो जाएं जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें। मेल पैटर्न बॉल्डनेस का क्या सबब है? मेल पैटर्न बॉल्डनेस की एक वजह जेनेटिक्स या गंजपन की खानदानी तरीक हो सकता है। तहकीक से पता चलता है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस का ताल्लुक मेल्स के हार्मोन से होता है जिसे एंड्रोजन कहते हैं। कोई भी अपने सर के बालों को खो सकता है लेकिन मर्दों में यह ज्यादा आम है। गंजा होना आम तौर पर आपके स्कार्प के बालों को ज्यादा गिरने को बोलते हैं। उम्र के साथ मौरूसी बालों का गिरना गंजपन की सबसे आम वजह है। कौन खतरे में है? मेल पैटर्न बॉल्डनेस आपके टीनेज ईयर्स में शुरू हो सकता है लेकिन यह ज्यादा तौर पर बालिग मर्दों में पाया जाता है। उम्र के साथ साथ इसका इम्कान बढ़ जाता है। जेनेटिक्स इसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। वो मर्द जिनके करीबी रिश्तेदारों को भी गंजपन है उनको ज्यादा खतरा होता है। ये खास तौर पर सच है जब उनके ये रिश्तेदार मैटरनल साइड से होते हैं। नेचुरल रेमेडीज फॉर क्यूरिंग हेयर लॉस। नंबर 1, मसाज। स्कार्प की मालिश करने से बालों की हेयर ग्रोथ हो सकती है और मसाज बालों के तेल या हेयर मास्क के साथ मिलकर किया जा सकता है। ये आपके स्कार्प को सिमुलेट करता है और बालों की थिकनेस को बेहतर बना सकता है। हर दिन अपने स्कार्प की मालिश करने में वक्त लगाने से आपको स्ट्रेस और टेंशन से भी निजात मिल सकती है। तहकीक से पता चलता है कि स्कार्प को मसाज करने से आप ब्लड सर्कुलेशन को इनकरेज करते हैं जिससे आपके बालों की हेयर ग्रोथ होती है। नंबर 2, एलोवेरा। एलोवेरा तवील अरसे से बालों के गिरने के इलाज के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। ये स्कार्प को सुकून देता है, सूद करता है और बालों को कंडीशन भी करता है। ये खुश्की को कम कर सकता है और हेयर फॉलिकल्स को खोल सकता है जो ज्यादा तेल की वजह से ब्लॉक हो गए हैं। आप अपने स्कार्प और बालों पर एक हफ्ते में कुछ बार खालिस एलोवेरा के तेल को लगा सकते हैं। आप शैम्पू, कंडीशनर या कोई और हेयर प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें एलोवेरा होता है। नंबर 3, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों के शाफ्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं और बालों से प्रोटीन लॉस को कम करते हैं। ये आपके बालों की खिसाम पर मुनहसर है कि आप अपने बालों को धोने से पहले या इसके बाद कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बालों का हेयर टाइप ऑयली है तो आप उसे धोने से पहले रातों रात या कुछ घंटों के लिए छोड़ सकते हैं। कोकोनट ऑयल को अपने स्कार्प और तमाम बालों में मालिश करें। अगर आपके बालों का हेयर टाइप ऑयली है तो आप उसे लीव इन ट्रीटमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल बालों की सेहत और चमक को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है और सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। नंबर 4, फिश ऑयल। ओमेगा फैटी एसिड्स का इस्तेमाल आपके बालों को अंदर से बेहतर बनाने में हेल्पफुल साबित हो सकता है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन से भरे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ ओमेगास को लेने से बालों की लंबाई और थिकनेस बेहतर होती है। ये बालों के झड़ने को भी कम करता है। ओमेगा फैटी एसिड्स आपकी सेल्स को सही तरीके से काम करने में मदद करता है और इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है जिसकी वजह से आपकी मजमूई सेहत बेहतर हो जाती है। नंबर 5, ओनियन जूस। प्याज का जूस स्टडीज ने दिखाया है कि वो बालों की नशोनुमा को इनकरेज करता है और एलोपेशिया एरेटा का भी एक अच्छा इलाज है। प्याज का जूस सर्कुलेशन को भी बढ़ाने के लिए जाना जाता है। जानवरों में जो स्टडीज कंडक्ट होती हैं, उनसे हमें पता चलता है कि केराटिन की ग्रोथ और क्यूटिकल्स में इम्प्रूव्ड ब्लड सर्कुलेशन भी होती है प्याज के जूस से। आप कुछ प्याज मिलाकर ब्लेंड कर सकते हैं और उनका रस निकाल सकते हैं ब्लेंडर या जूसर से। उसके बाद अपने स्कार्प और बालों में रस लगाएं और कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर शैम्पू कर लें। कंक्लूजन, अगर आप अपने बालों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको इन रेमेडीज को कंसिस्टेंटली करना जरूरी है। याद रखें कि नोटिसेबल रिजल्ट्स बरामद होने में इस इलाज से चंद माह लग सकते हैं। ये जरूरी है कि आप अपने बालों की परवरिश के लिए हर रोज वक्त निकालें ताकि आप अपने मतलूबा रिजल्ट्स को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। अगर आपके बालों के गिरने का ताल्लुक किसी जज्बाती इशू या टेंशन से मुतल्लिक मसला है तो स्ट्रेस रिड्यूस करना और खुद की देखभाल पर अमल करना इजाफी फायदेमंद साबित होगा। सेहतमंद रहें और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें जो आपके बालों का इलाज करने के मंसूबे की तकमील करे। अगर ये कुदरती तरीके आपके लिए काम नहीं करते हैं तो मेडिसिन या प्रोसीजर्स के बारे में अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।